नमस्कार। हिंदी के प्रसिद्ध कवि आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिए का शूल। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर नरेंद्र जाखड़ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित करता हूं। हिंदी को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और सक्षम बनाने में जिन भी लेखकों ने, साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और जिन लोगों ने इसको आत्मसात करके इसको प्रोत्साहित करते हुए जन जन तक पहुंचाया है, उन सभी के श्री चरणों में मेरा सादर नमन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 14 सितंबर की क्या ऐतिहासिक विशेषता है कि जिसके कारण हम इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? जी हाँ, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया और इसके साथ ही हिंदी को एक भाषा के रूप में प्रोत्साहित और पल्लवित करने के लिए और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम 14 सितंबर को राजभाषा दिवस या यूं कहें हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सरकारी दफ्तरों, निगमों, इन सभी में हिंदी के साप्ताहिक पखवाड़े और में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उनमें निबंध, वाद विवाद, आशु कविता, कविता पाठ आदि के कार्यक्रम रखे जाते हैं। ये मानने में और स्वीकार करने में हम लोगों को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है और विज्ञान एवं तकनीकी तथा कानून की शब्दावली में इसका बहुतायत से उपयोग होता है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल दावे के साथ यह बोल सकता हूँ कि अंग्रेजी कभी भी हिंदी का एक भाषा के रूप में विकल्प नहीं बन सकती। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी हमारे लिए मात्र एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, हिंदी हमारी संस्कृति का मूल अंग है और हिंदी ही हमारे जीवन अभिलाषा को पूर्ण रूप से साकार रूप प्रदान करती है। आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में आइए हम सभी ये शुभ संकल्प लें कि हम हिंदी को राजभाषा से जन जन की राष्ट्रभाषा तक पहुंचाएंगे। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदी को पल्लवित, पुष्पित और इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित और कटिबद्ध हैं। मैं पुनः इस 14 सितंबर के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।